स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम जो टाइप बचे थे मैट्रिक्स के, ठीक है, वो पढ़ लेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके पहले हमारा एक टाइप छूट गया था, जीरो मैट्रिक्स, उसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स, उसको दूसरा नाम भी स्टूडेंट नल मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, अ मैट्रिक्स कंटेनिंग जीरो एलिमेंट, ऐसा मैट्रिक्स कि जिसमें जो एलिमेंट है वो जीरो रहते, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। कि जो एलिमेंट है वो क्या है, जीरो है, वो क्या है, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अभी हम पढ़ते हैं स्टूडेंट डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स यानी मैंने पहले बताया था कि मैट्रिक्स का डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसको पहले डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अभी इस मैट्रिक्स की अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, मान लो ये इट इज ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए है, उसका इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे पहले उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो ही मैं उस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो इसको मैंने डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। अभी आपको पता ही है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। यहां से क्यों स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट, क्योंकि इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए मैं यही से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, 4 3 12 माइनस 6 5 30, तो 12 - 30 -80, ये होगी डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अभी हम बढ़ते स्टूडेंट कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स है ऐसा मैट्रिक्स की, उस मैट्रिक्स की जब हम डिटरमिनेंट लेके वैल्यू फाइंड करती है, वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वो वैल्यू अगर जीरो आती है। ठीक है, मान लो स्टूडेंट मैं अगर ये मैट्रिक्स लिख रहा हूं 4 5 5 4। ठीक है, अभी ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आपको बताया कि मैट्रिक्स को पहले डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है, और उसको अगर मैं सॉल्व करता हूं 5 4 20 -5 4 20 दिया गया जीरो, तो ये मैट्रिक्स हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स के उस मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट लिखने के बाद उसकी वैल्यू अगर जीरो आती है तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऐसा मैट्रिक्स की उस मैट्रिक्स को जब है और उसका आंसर जीरो यस नहीं आता है, उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जैसे ये है स्टूडेंट, ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमेशा याद रखो कि जब भी हम इनवर्स फाइंड, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए उस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है, डिटरमिनेंट की वैल्यू है, वो जीरो नहीं आनी चाहिए, तो ही हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को स्टूडेंट हम बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आई, यानी ये हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ही आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। हमेशा बात याद रखो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड किया जाता है, और अगर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आ गई है, तो उसका इन्वर्स नहीं फाइंड होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी क्या होता है, तो ट्रांसवर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी होता है इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। सो ये 4 5 3 9 ये मैट्रिक्स है, ए इज अ गिवन मैट्रिक्स, तो इसमें ट्रांसवर्स ऑफ मैट्रिक्स मुझे फाइंड करना है। तो ट्रांसवर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी क्या होता है, अभी मुझे मैं ए का क्या ले रहा हूं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ले रहा हूं, यानी इसके पावर में टी लिख रहा हूं, ए टू द पावर टी, यानी क्या होगा स्टूडेंट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी क्या होता है, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। तो मैं फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, तो इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम मैंने क्या बनाना स्टूडेंट, फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम बनाना है, और फर्स्ट कॉलम था वो फर्स्ट रो बनाना है। तो ये आर वन को मैं C1 लिख रहा हूं, यानी 4 5 फर्स्ट कॉलम आ गया, और 3 9 जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन गया। तो ये हो गया स्टूडेंट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से। तो ऐसा नहीं है कि आप स्क्वेयर मैट्रिक्स से ट्रांसपोज निकालोगे, आप कोई भी मैट्रिक्स से, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर भी रहा, उसका भी आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हो। हमेशा याद रखो कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से क्या होता है कि इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। यहां पे बताओ स्टूडेंट, में ए ट्रांसपोज है,
उसका भी अगर मैंने ट्रांसपोज लिया तो मुझे यही मैट्रिक्स मिलेगा। आप घर में ट्राई कर लो कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका अगर मैंने ट्रांसपोज निकाला और एक बार उसका ट्रांसपोज निकाला तो जो मैट्रिक्स था वही मैट्रिक्स मुझे मिलने वाला है। तो ये था स्टूडेंट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखो स्टूडेंट ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में टॉपिक था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में फोर टाइप थे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और एक इक्वल मैट्रिक्स। सबसे पहले हम यही देख लेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब रहेंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल कब रहेंगे जब दोनों मैट्रिक्स के रो सेम है, कॉलम सेम है और साथ में इक्वल नंबर भी सेम है। जैसे मैं ए मैट्रिक्स लिख रहा हूं 4, 5, -2, 3 और बी मैट्रिक्स 4, 5। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट कि ये मैट्रिक्स इक्वल रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है, जब मैं यहाँ पे 2 के जगह -2 लिखूंगा तब ये दो मैट्रिक्स क्या बन जाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स बनेंगे। तो हमेशा याद रखो कोई भी मैट्रिक्स में अगर कोई वैल्यू दी है, एक्स वाई दिया है और उसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है तो बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स ही वो सॉल्व करना पड़ता है और तब आपको इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है ये अगर आपको पता है तो ये हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स यानी क्या होता है, जब अगर दो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी सेम चाहिए और एलिमेंट भी सेम चाहिए तो वो हो जाएंगे इक्वल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते स्टूडेंट कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, दो मैट्रिक्स का एडिशन। हमेशा याद रखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दो मैट्रिक्स का एडिशन अगर करना है तो ऑर्डर सेम चाहिए, अगर ऑर्डर सेम है तो ये हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होती है। तो मैं फर्स्ट मैट्रिक्स लिख रहा हूं स्टूडेंट 1, 3, 4, 5 और सेकंड मैट्रिक्स लिख रहा हूं 3, 4, 9, 5 नेक्स्ट नंबर लिखो 2। दो मैट्रिक्स का क्या करना है स्टूडेंट, एडिशन करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बी। अभी एडिशन कैसे होता है स्टूडेंट, देखो इसकी जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो इसका एडिशन किसके साथ होगा, इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ होगा, यानी 1, 3, 1+3। यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 3+4, यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5+2, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1+3, 4, 4+3, 7, 9+4, 13, 5+2, 7। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का एडिशन कब होता है, जब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन किया स्टूडेंट वैसे ही सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं, आप घर में जाके सॉल्व कर लेना कि दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो मैं ये स्टूडेंट ये लिख रहा हूं 1, 3, 4, 5 और ये बी मैट्रिक्स लिख रहा हूं 1, 3, 4, 5, 6, 2। इसका ऑर्डर 2×2 है, इसका ऑर्डर है, हमेशा पहले क्या आता है स्टूडेंट, हमेशा पहले रो आता है, रो ही लिखना है, 3 रोज है 3/2। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखो कि मुझे अभी इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लिखना है, तो 1×b, हमेशा याद रखो कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम है उतने रो अगर सेकंड मैट्रिक्स में है तो ही मल्टीप्लिकेशन होता है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। मुझे बताओ कि इस फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, तो 2 रो होने चाहिए, है क्या इसमें 2 रो, नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें मुझे पहले 3 रो करने पड़ेंगे, 3 कॉलम करने पड़ेंगे, ठीक है, तो ही मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसको 2×2 ही मैट्रिक्स लिख रहा हूं, लेकिन मैट्रिक्स में अभी मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही है, लेकिन अगर दूसरा मैट्रिक्स लिखा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखा तो प्रॉब्लम जा सकती है। इसलिए हमेशा याद रखो कि मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का कब होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स में
जितने कॉलम है उतने रो अगर सेकेंडरी मैट्रिक्स में है तो ही मल्टीप्लीकेशन होता है। तो मल्टीप्लीकेशन देख लेते कैसे करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वन वन द वन प्लस थ्री फोर द ट्वेल्व, ये हो गया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगा सुन, मैंने क्या बोला है मैट्रिक्स कब होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम है उतने रो सेकंड मैट्रिक्स में चाहिए। अभी ये कॉलम और ये रो सेम है तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, बचते गए 2/2, यानी जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगा मल्टीप्लीकेशन के बाद वो 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा। उसकी क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, a11 a12 a21 a22। देखो अभी a11 यानी क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वन वन दा सॉल्व करो इसको, वन वन दा वन प्लस थ्री फोर दा ट्वेल्व, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वन थ्री, यहाँ पे है ना फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे वन थ्री दा थ्री प्लस थ्री फाइव दा फिफ्टीन। अभी देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फोर वन दा फोर प्लस फाइव फोर दा ट्वेंटी। अभी सेकंड रो सेकंड कॉलम तो फोर थ्री दा ट्वेल्व प्लस फाइव फाइव दा ट्वेंटी फाइव। और फिर इसको सॉल्व करना है, इसका एडिशन आपको अच्छे से आता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट, दो मैट्रिक्स अगर है तो उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है। अभी उसके बाद देख लेते स्टूडेंट कि अगर मैट्रिक्स से आपको पता ही होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी होता है कि सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो उसका जनरल फॉर्म है स्टूडेंट a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। हमेशा याद रखो इसका जनरल फॉर्म ये है, ठीक है। तो a11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम ये सेकंड रो थर्ड कॉलम एज इट इज, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बता देता हूं मैं कि डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेंगे। वैसे आपने ऑलरेडी स्टूडेंट 11 ने पढ़ा है 1 3 4 5 6 -2 3 2 4। अभी इनवर्स फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर चाहिए, उस मैट्रिक्स का आंसर जो है वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स ही सॉल्व करते हैं, इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन से है, डायगोनल एलिमेंट ये है 1 3 4। तो मैं जाहिर सी बात है 1 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अभी इसकी पोजिशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट छोड़ दो, जो बचा है उसका ट्रीटमेंट ले लो। तो इसकी वैल्यू 3 4 12 माइनस और ये माइनस प्लस, ठीक है 2 2 4, ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट हमेशा याद रखो कि सेंटर में जो साइन है वो किसका आना चाहिए, हमेशा नहीं माइनस साइन ही आता है, तो यहाँ पे माइनस 3। अभी इसी क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट छोड़ दो, इसका ट्रीटमेंट 5 4 20 माइनस साइन और माइनस माइनस प्लस 3 2 6। उसके बाद मिडिल साइन माइनस और ये प्लस प्लस 4। इसकी क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये छोड़ दो, इसका ट्रीटमेंट 5 2 10 माइनस 3 3 9। तो ये सॉल्व करो इसको, 12 + 4 16 1 16 माइनस 3 × 26 प्लस 4 10 - 9 1। तो 16 - 26 3 = 78 प्लस 4।
तो 16 प्लस 4 कितना होता है स्टूडेंट, 20, 20 माइनस 78 कितना आता है ये 58। अब ये साइन माइनस का, अभी मुझे बताओ स्टूडेंट, अभी ये स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी ये सिंगुलर मैट्रिक्स रंग है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रंग है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रंग है क्योंकि इसकी इसकी जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है ये जीरो आया क्या नहीं आया है। तो ये हो गया इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो इसका हम ए इनवर्स, इसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट अभी तक का जो भी हमने पढ़ाया वो 11 का बेसिक था, और अभी ये अगर आपको बेसिक अगर अच्छे से आ गया तो आप 12 का जो मैट्रिक्स ऐसे पढ़ सकते हो और उसमें डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं जाएंगी, ठीक है। देख लो